हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज करते हैं ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर मेहनताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वो दिखाना चाहता हूँ। ये हैं फार्मास्यूटिकल सपोजिटरीज, वो जिनको हमारे स्टूडेंट ने लैब में प्रिपेयर किया है। तो आप देखिए कितनी स्मूथ हैं वो देखने में, आप भी इसको आसानी से अपने जो आपकी लैब है वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे हम बेसिकली चार मेथड्स को यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। जो हमारा पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड द ट्राइचुरेशन और लेविगेशन मेथड। जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज द फ्यूजन मेथड। केमिकल रिएक्शन मेथड को हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, और इमल्सिफिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं जब हमें अपना ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो इस वीडियो में एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है दैट इज़ कॉल्ड द ट्राइचुरेशन मेथड। वो जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है, यहाँ पे हमारे जो इंग्रेडिएंट है या जो हमारी ड्रग है उसको हम सबसे पहले एक पिस्टल है मोर्टार में ट्राइचुरेट करते हैं, और उसके बाद उसमें हम बेस को ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑइंटमेंट। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, या एक तरह का कॉमन मेथड है जिसको हम लोग स्मॉल स्केल पे जब ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन बेस इज सॉफ्ट। जो हमारा बेस है अगर सॉफ्ट है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, और जो हमारी ड्रग है या जो हमारा है मेडिकामेंट अगर वो बेस के अंदर इनसॉल्युबल है, उसके अंदर घुलता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ट्राइचुरेशन मेथड को यूज़ करते हैं। वो क्योंकि इस कंडीशन में हमें अपने जो भी हमारा इंग्रेडिएंट है, जो भी हमारी ड्रग है, उसको बेस के अंदर सस्पेंड करना होता है। तो वो जितना ही उसका पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही हम आसानी से उसको अप्लाई करेंगे, और हमें जो है एक तरह वो ग्रिटीनेस की फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रोसीजर, तो इसको हम इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट है, वो जो भी हमारा है सॉलिड मेडिकामेंट है, उसको सबसे पहले हम फाइनली पाउडर्ड कर लेते हैं इन द पेस्टल एंड मोर्टार आर द ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर। हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एन ऑइंटमेंट बेस। तो जो हमारा ऑइंटमेंट वो है बेस जिसको हमें यूज़ करना है, उसकी हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी को पहले वेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो ट्राइचुरेट सॉलिड मेडिकामेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो जो भी हमारा था बेस उसका हम टोटल अमाउंट नहीं यूज़ करते हैं, उसका हम एक स्मॉल अमाउंट लेते हैं, और उसके अंदर जो भी हमारे हैं इंग्रेडिएंट हैं या जो भी हमारे हैं सॉलिड मेडिकामेंट, उनको हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो डालते हैं, और फिर उसको ट्राइचुरेट करते हैं ऑन ऑइंटमेंट स्लैब विद SS स्पैचुला। जो भी हमारा ऑइंटमेंट स्लैब है उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील के स्पैचुला को जो हम यूज़ करते हैं ट्राइचुरेट करने के लिए, और इसको हम तब तक करते हैं अनटिल ए होमोजीनियस प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इसको हम तब तक करते हैं जब तक कि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो बेस के अंदर प्रॉपरली मिक्स नहीं हो जाते हैं, और एक होमोजीनियस प्रोडक्ट जब तक वो फॉर्म नहीं करते हैं तब तक हम उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड रिमेनिंग बेस एंड मिक्स यूनिफॉर्मली। उसके बाद वो जो भी हमारा वो था बेस उसके उसकी जो और क्वांटिटी थी वो उसके अंदर हम मिक्स करते हैं, और उसके बाद में हम उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हैं कि वो एक फॉर्म करे होमोजीनियस, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म प्रोडक्ट वो फॉर्म करे। जब हम इसको इसमें ऐड कर लेते हैं जो भी हमारा बेस है, उसके बाद में हम अगर कोई हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट है तब हम उसको उस कंडीशन में ऐड करते हैं, ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट है तो उसको हम इस तरह से प्रिपेयर करने के बाद में फिर उसके बाद में इसमें हम ऐड करते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द जो हमारा ऑइंटमेंट प्रिपेयर हुआ है उसको फिर हम क्या करते हैं कि एक पास करते हैं रोलर मिल के थ्रू। इसके थ्रू हम इसको क्यों पास करते हैं, टू इंश्योर यूनिफॉर्म ड्रग डिस्पर्सन, की हमारा जो
वो ड्रग का डिस्पर्सन है वो हमारे ऑइंटमेंट में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली हो जाए, उसके लिए हम इसको रोलर मिल के थ्रू पास करते हैं, या अगर कोई एग्रीगेट उसमें फॉर्म हो गया है, कोई थक्का फॉर्म हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम उसको रोलर मिल के थ्रू पास करते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द लार्ज स्केल, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो हमारा हेयर ट्राइचुरेशन की प्रोसेस है उसको हम जो है वो करते हैं इन द मैकेनिकल मिक्सर को यूज करते हैं और हमारी ट्राइचुरेशन की प्रोसेस को करते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द लार्ज स्केल और अगर स्मॉल स्केल पे, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं पेस्टल एंड वो मोर्टार को यूज करते हैं, या हम ऑइंटमेंट स्लैब और स्टेनलेस स्टील के स्पैचुला को यूज करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला मेथड है दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन मेथड। इसमें क्या होता है वो दिस मेथड इज सुइटेबल व्हेन द बेस इज सॉलिड। तो अगर जो हमारा बेस है वो हल्का सा सॉलिड है उस कंडीशन में हम फ्यूजन मेथड को यूज करते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पोर्सलिन वो डिस्क को यूज करते हैं और उसको वाटर बाथ के ऊपर प्लेस करते हैं अपने बेस को मेल्ट करने के लिए। और अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये एक स्टीम जैकेटेड केटल के अंदर हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं द इंग्रेडिएंट एंड बेस आर मेल्टेड एंड properly mixed to obtain a uniform product। तो जो हमारे ingredient है और जो हमारा base है उसको सबसे पहले हम हल्का सा melt कर लेते हैं और उसको हम properly mix करते हैं एक uniform product को prepare करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं initially the ingredient of highest melting point is melted then remaining are added in डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें हमारा जो भी इंग्रेडिएंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले ऐड करते हैं, उसके बाद उससे कम वाले को और उसके बाद उससे कम वाले को, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट में हम अपने इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं। वो द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द वाटर बाथ एंड स्टिर टू कूल इट। तो जब हम जो भी हमारे इंग्रेडिएंट है उनको उसको जब हम ऐड कर लेते हैं प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद में हम उसको वाटर बाथ के ऊपर से वो रिमूव करते हैं और स्टरिंग की जो हमारी प्रोसेस है जो हमारी है मिक्सिंग की प्रोसेस उसको हम तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारा ऑइंटमेंट कूल नहीं हो जाता, ठंडा नहीं हो जाता। तो इसमें अगर जो हमारा ऑइंटमेंट है उसमें अगर कोई है इंसॉल्युबल वो ड्रग है जो कि हमारे बेस के अंदर इंसॉल्युबल है उसको हम इस प्रोसेस को होने के बाद में कूलिंग को होने के बाद में एडेड इन द पाउडर फॉर्म, एक आप कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में उसमें ऐड करते हैं और उसमें वो ट्राइचुरेशन का जो हमारा मेथड है या हम वो सिंपली स्टरिंग करके उसके अंदर उसको मिक्स करते हैं। अगर कोई हमारा इसमें इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि लिक्विड है या है हमारा सेमी सॉलिड है तो उस कंडीशन में हम उसको ऐड करते हैं जब हमारे ऑइंटमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो लिक्विड है या जो हमारा है सेमी सॉलिड उसको हम ऐड करते हैं। और अगर हमारे ऑइंटमेंट में कोई ऐसा सब्सटेंस है वो जो कि है वोलेटाइल है या हीट लबाइल है तो उस कंडीशन में उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं जब हमारा ऑइंटमेंट कूल हो जाता है, क्योंकि हॉट कंडीशन में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो अगर हमारा वो सब्सटेंस हीट लबाइल है हीट के कॉन्टेक्ट में आने से ख़राब हो सकता है तो वो हमारा ख़राब हो जाएगा, और अगर हमारा सब्सटेंस है वोलेटाइल तो वो हॉट टेम्परेचर पे हवा में उड़ जाएगा और उसका हमें लॉस देखने को मिलेगा। तो जब हमारा ऑइंटमेंट ठंडा हो जाता है कूल हो जाता है तो लास्ट में हम वोलेटाइल और हीट लबाइल इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करते हैं। तो जो हमारा अगला मेथड है दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन मेथड। वो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द ड्रग एंड इंग्रेडिएंट ऑफ द बेस। तो इसमें अगर जो हमारी ड्रग है जो हमारे इंग्रेडिएंट है और जो हमारा बेस है अगर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होती है इट विल रिजल्ट इन द एलिगेंट एंड स्टेबल प्रोडक्ट लाइक नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट। तो जो अगर हमें प्रिपेयर करना है नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे हम उसकी जो वो केमिकल रिएक्शन वो कराते हैं जो हमारा है पोटेशियम आयोडाइड उसके थ्रू, और हमें एक एलिगेंट और स्टेबल ऑइंटमेंट वहाँ पे
देखने को मिलता है। अगर हम ये इसके और एक एग्जांपल्स की बात करें तो हम स्ट्रॉन्ग अलम मर्क्यूरिक नाइट्रेट ऑइंटमेंट को इस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं और जो है ओलिएटेड मर्करी ऑइंटमेंट को हम इस प्रोसेस को यूज करके प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फार्मूला ऑफ नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट की, तो इसमें हम आयोडीन को यूज करते हैं, आर्चीज ऑयल को यूज करते हैं और येलो सॉफ्ट पैराफिन को यूज करते हैं नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो मतलब नॉन स्टेनिंग का क्या मतलब हुआ कि ये जब हम अप्लाई करते हैं और अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं तो कपड़े के ऊपर इसका दाग नहीं आता, आयोडीन का दाग नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं नॉन स्टेनिंग ऑइंटमेंट। हाँ, तो अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें हम जो हमारा आयोडीन है उसको सबसे पहले हम कर लेते हैं पाउडर कर लेते हैं इन द मोर्टार एंड पेस्टल के अंदर। उसके बाद में हम इसमें आर्चीज ऑयल को ऐड करते हैं और इसको हम मिक्स करते हैं एट द 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और फिर हम इसको इसके अंदर आयोडीन को आर्चीज ऑयल में मिक्स करते हैं, स्टरिंग ओकेजनली टिल ग्रीन ब्लैक कलर अपीयर। इसे जो हमारी स्टेरिंग है उसको हम बीच बीच में करते रहते हैं और कब तक करते हैं, जब तक कि हमें ग्रीन ब्लैक कलर का अपीयरेंस उसका नहीं हो जाता। उसके बाद हम क्या करते हैं अंतिम में, उसमें हम ऐड करते हैं येलो सॉफ्ट जो हमारा पैराफिन है उसको हम ऐड करते हैं एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा है मतलब वो मिक्सचर है जो हमारा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको जब हम ठंडा करते हैं और टेम्परेचर फिर आ जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हम इसके अंदर येलो सॉफ्ट पैराफिन को ऐड करते हैं और उसके बाद में जो हमारा मिक्सचर है उसको हम कूल करते हैं, तो हमारा एक नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट प्रिपेयर हो जाता है। इसमें जो हमारा अंतिम मेथड है दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन मेथड। इसमें हम जो है आप कह सकते हैं बेसिकली इमल्सन को फॉर्म करते हैं वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सन को फॉर्म करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इन दिस मैथड फैट ऑयल्स एंड वैक्सेस आर मेल्टेड टूगेदर आर ऑन वाटर बाथ एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा फैट है, जो हमारा ऑयल है और जो हमारे वैक्स है उनको हम सबसे पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वाटर बाथ के ऊपर मेल्ट करते हैं। उसके बाद में जो हमारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं वो जो कि एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं वाटर में है, सॉल्युबल है और हीट स्टेबल है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हीट स्टेबल वाटर सॉल्युबल कंपाउंड हीटेड एट सेम टेम्परेचर। तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है और हीट स्टेबल हमारे अब सब्सटेंस का जो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसको भी हम सेम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, वो 70 पे हम उसको हीट करते हैं। उसके बाद में हम इसको इस टेम्परेचर पे क्यों हीट करते हैं, वो दोनों का टेम्परेचर सेम हम क्यों रखते हैं, अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो अदरवाइज फैट एंड वैक्सेस इमीडिएटली सॉलिडिफाइड। तो जैसे ही अगर ये हमारा ठंडा है इसको हमने इसके अंदर ऐड किया तो क्या होगा कि जो हमारे फैट हैं और जो हमारे वैक्सेस हैं वो फौरन सॉलिड के फॉर्म में आ जाएंगे और हमारा जो एक आप कह सकते हैं कि प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन की वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन एडेड टू द मेल्टेड बेस विद कंटीन्यूअस स्टेरिंग अंटिल प्रोडक्ट कूल डाउन। तो उसमें हम इसको भी हम रखते हैं 70 पे, इसको भी हम 70 पे रखते हैं और इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं और कंटीन्यूअस स्टेरिंग उसके अंदर करते हैं जब तक कि हमारा प्रोडक्ट ठंडा नहीं हो जाता, कूल डाउन नहीं हो जाता। और जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं ये हमारा ठंडा हो जाता है तो ये एक फॉर्म करता है सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट को, ये प्रिपेयर करता है हमारा एक जो सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे अक्सर हमको कोई ना कोई इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करना होता है अपने जो हमारा ऑइंटमेंट है उसके उसमें जो फॉर्म हुआ है इमल्सन फॉर्म हुआ है उसको स्टेबल बनाने के लिए, अधिक टाइम तक वो स्टेबल रहे, इमल्सन के फॉर्म में रहे, ऑयल और हमारा वाटर अलग अलग ना हो, तो उसके लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो अगर हमारा जो इमल्सन है ऑयल इन वाटर टाइप का है तो इसमें हम वाटर सॉल्युबल सोप को यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं ड्राई इथिलामीन स्टेरेट सोप को यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते हैं सेटाइल एल्कोहल को यूज़ करते हैं अगर हम ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन प्रिपेयर करते हैं। तो और अगर हम वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन अगर प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम बीज वैक्स
को यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस को यूज करते हैं एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट टू प्रिपेयर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जो हमारे कॉमन ऑइंटमेंट हैं जिनको हम लोग अपनी लैब में अक्सर प्रिपेयर करते हैं उनके फार्मूले के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ट्राइजुरेशन मेथड, तो वहाँ उससे हम सिंपल ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम वूल फैट को यूज़ करते हैं इन द क्वांटिटी ऑफ 5 ग्राम। इसमें हम हार्ड पैराफिन को यूज़ करते हैं इन द क्वांटिटी ऑफ 5 ग्राम। इसमें हम यूज़ करते हैं हाइड्रोसिटोस्टेरिल अल्कोहल को 5 ग्राम में, और इसमें हम वाइट सॉल्ट पैराफिन को 85 ग्राम में यूज़ करते हैं, जिससे कि एक हमारा सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे ऑइंटमेंट जिसको हम कहते हैं सल्फर ऑइंटमेंट आईपी के, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं जो सबलाइम वो सल्फर को यूज़ करते हैं, वो जिसको हम कर लेते हैं फाइनली शिफ्टेड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्टिकल वो साइज में वो कर लेते हैं, और इसका हम 10 ग्राम यूज़ करते हैं। और जो हमने सिंपल ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया है उसका हम यहाँ पर 90 ग्राम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम प्रिपेयर करते हैं सल्फर ऑइंटमेंट आईपी को। अगर हम बात करते हैं एक और फार्मूले के बारे में, तो यहाँ पे जो हमारा मेथड है जिसको हम यूज़ करेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज़ द फ्यूज़न मेथड। इससे हम प्रिपेयर करेंगे वूल एल्कोहल ऑइंटमेंट को। तो यहाँ पे हम जो इंग्रेडिएंट लेंगे क्या है, वूल हम लेंगे एल्कोहल को 6 ग्राम में, हार्ड पैराफिन को लेंगे 24 ग्राम में, वाइट सॉफ्ट पैराफिन को लेंगे 10 ग्राम में, और लिक्विड पैराफिन को 60 ग्राम में हम लेंगे, और एक वूल एल्कोहल ऑइंटमेंट को हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, ये मेथड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।